दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर एक और न्यू एनिमे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसका नाम स्वॉलोड स्टार है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे है। वैसे आप लोग इस सीरीज को देखते होंगे, इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन को एपिसोड 58 से ही शुरू करूँगा और मैं इसकी एपिसोड को कम से कम 3 पार्ट में डिवाइडेड करूँगा, इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लीडर हॉन्ग को देखते हैं, जो यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स के बारे में बता रहे थे। तभी वो स्पेसशिप एक प्लेनेट पर चली जाती है। उसे देखकर फैंग कहता है कि यह तो लीडर हॉन्ग बताता है कि यह एक ऐसी प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी हमारे अर्थ से 300 मिलियन टाइम ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड पर चल भी सकती है और जो यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स है वो पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करने के काबिल है, यानी कि वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी फाइटर जेट और स्पेसशिप को यूज करते हुए, और उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। वो किसी भी स्पेसशिप को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उनकी पावर तो हमने पहले ही देखी है कि वो अपने पंच को यूज करते हुए पूरे प्लेनेट को भी खत्म कर सकते हैं, तो उनके सामने यह स्पेसशिप क्या चीज है। इसलिए इस यूनिवर्स को अच्छे से जानने के लिए ली शान और मैं अपनी ट्रेनिंग को जारी रखेंगे और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स लेवल के वॉरियर अपीयर हुआ तो हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय होने की कगार पर पहुंच जाएगी। लीडर हॉन्ग के यह बात सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, जैसे कि वो एक ही जगह पर जाम हो गया हो। तभी लीडर हॉन्ग फैंग से कहता है कि फंग, तुम्हारे ब्रेन काफी ज्यादा बड़ी है और साथ ही तुम इस वर्ल्ड के काफी ज्यादा टैलेंटेड मेंटल मास्टर भी हो। और फिर फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने प्रैक्टिस में कभी भी कमी नहीं आने दोगे, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ताकि तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन सको और अपनी शर्तों को प्रोडक्ट कर पाऊँ। यह सुनकर फैंग कहता है कि जी हाँ मास्टर। अब लीडर हॉन्ग फंग से कहता है कि तुम मेरे साथ मिस्टर लैंड पर चलो, मुझे लगता है कि हमारा मिस्टर लैंड का सफर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। यह सुनकर फंग कहता है कि हॉन्ग मास्टर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि शायद आपने मिस्टर लैंड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसा क्यों? लीडर हॉन्ग फैंग को बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर लैंड पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं और हो सकता है कि अगर हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो वो हम इंसान को यह काफी ज्यादा खतरनाक हो, इससे हम बाकी सभी इनोसेंट पीपल को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल देंगे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। यह सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि लीडर हॉन्ग सही कह रहे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ली शान हॉन्ग और फैंग को, जो स्मार्ट फाइटर जेट में मिस्टर लैंड के तरफ जा रहे थे और इनके साथ काफी सारी वॉरियर्स थे, और हम देखते हैं कि यहाँ पर यह सभी लोग काफी ज्यादा शांत थे। तभी फाइटर जेट का सिस्टम कहता है कि हम बहुत ही जल्द फोग आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर फैंग अपने आसपास देखता है तो उसे मिस्टर लैंड नजर आता है, पर वहां पर कोई भी मिस्ट नहीं थी। यह देखकर फैंग कहता है कि इस आइलैंड पर तो कोई भी फोग नहीं है, क्या यह वाकई मिस्टर लैंड है? ऐसा फैंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि लास्ट टाइम फैंग इस मिस्टर लैंड पर आया तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोग थी। यह सुनकर लीडर हॉन्ग बताते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम पर क्लाउड ब्रांच के टेंटिकल्स ने अटैक किया था तो मैंने वहाँ पर आकर तुम्हें बचाया था और उस क्लाउड ब्रांच के टेंटिकल्स को वहाँ से उठा लिया था और उन्हें अपने लिए लिया था, और जब मैंने ऐसा किया तो वहाँ पर मौजूद सारी फोग खत्म हो गई थी, इसलिए अब इस आइलैंड पर फोग नहीं है। यह सुनकर फैंग कहता है कि उन टेंटिकल्स का नाम क्लाउड रिटर्न्स था। इस पर लीडर हॉन्ग कहते हैं कि तुमने सही सुना, जहाँ तक इस आइलैंड की बात है तो यह उस टाइम में आधा डिस्ट्रॉय हो गया जब मैं कुछ दिनों पहले एम्परर लेवल बीस्ट के साथ फाइट की। और यह कहने के साथ ही हमारा पार्ट 1 की एपिसोड कम्प्लीट हो जाता है।